आज हम आपको अपने गार्डन में घर में हमें हमारे पौधों की क्या फेट है उसके बारे में बताएंगे, और हमें किस पौधे से फ्रूटिंग मिल रही है और किन पौधों में हमारे में फ्लावरिंग हो रही है इसके उसको आप वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ, हमारे गार्डन में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या अपडेट हम आपको देंगे। सबसे पहले ये है हमारा मिर्ची का पौधा, ये देखिए इस पे हमारी कितनी सारी मिर्ची लगी हुई है और ये इस पे अलग तरह की मिर्ची लगी है। हमारे किसी पौधे में पहले ऐसी मिर्ची नहीं लगी है, इस पौधे में ये अलग तरह की मिर्ची, मोटे वाली मिर्ची लगी है इसमें। और ये देखिए इस पे कितनी सारी छोटी छोटी मिर्चियाँ भी लगी हुई हैं, ये देखिए यहाँ पर ये छोटी छोटी इसकी मिर्चियाँ हैं। और यहाँ पर इस पे बहुत सारी फ्लावरिंग भी आई हुई है, जो कि कुछ दिन बाद हमें यहाँ से और भी ढेर सारी मिर्चियाँ तोड़ने को मिलेंगी। और ये देखिए इसके साथ में ये दूसरा पौधा भी है, लेकिन इस पर ये लंबे वाली पतले वाली मिर्ची लगी हुई हैं, इस पर भी यहाँ पर बहुत सारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। तो बाद में यहाँ वीडियो के एंड में आपको इनकी हार्वेस्टिंग भी करके दिखाने वाला है। इसके बाद है हमारा बैंगन का पौधा, ये देखिए हमारे यहाँ पर कई सारे बैंगन के पौधे हैं, ये देखिए इन पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। ये देखिए हमारे इस पर एक बैंगन भी लगा हुआ है, ये देखिए कितना सुंदर है, ये कितना अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ में ये हमारे दूसरे पौधों पर अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है, ये देखिए यहाँ पर भी ये बैगन बनने लगेगा और उधर भी एक छोटा सा बैगन बना हुआ है, ये देखिए अभी इनका साइज बहुत छोटा है, कुछ दिन बाद हमें ये यहाँ से हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगे। और ये इसके पौधे, बैगन के पौधे बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं, पहले इनमें स्पाइडर माइट लगा हुआ था, फिर हमने इस पर नीम ऑयल का स्प्रे किया, देखिए अब इनकी कंडीशन पहले से बहुत अच्छी हो गई है। ये इधर भी देखिए एक बैगन और लगा हुआ है छोटा सा, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये दिन बाद हम यहाँ से इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर हरा धनिया, इसको हमने गर्मियों में अभी लगाया था एक डेढ़ महीना पहले, और देखिए इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ है और कितने ग्रीन ग्रीन इसकी पत्तियां हैं। अब ये हार्वेस्ट के लिए रेडी हो गया है और एक दो बार हमने इसकी यहाँ से हार्वेस्टिंग भी कर ली है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है गर्मियों में, धनिया की खुशबू और भी बढ़ जाती है। तो आप भी गर्मियों में अपने किचन गार्डन में धनिया ज़रूर उगाएं। उसके बाद है हमारा ये अमरूद का पौधा, ये देखिए यहाँ पर इस पर भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने लगी है, ये देखिए इस पर अब छोटे छोटे अमरूद भी बनने लग गए हैं और भी आने इसकी यहाँ पर खुशबू ले रहा है कि इसमें कैसी खुशबू आ रही है अमरूद में, ये देखिए इस पर। ये बहुत छोटा सा पेड़ है, ये हमने इसको 4-5 महीने पहले ही यहाँ पर लगाया था, इसको हमने नर्सरी वाले से खरीदा था, और अब देखिए इस पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने लग गई है, जो कि हमें आगे चलकर इसमें बहुत सारे अमरूद खाने को मिलेंगे। और इसके बाद है हमारे यहाँ पर ये है पालक, इसकी हार्वेस्टिंग का वीडियो हमने लास्ट टाइम में आपको दिखाया था, ये देखिए यहाँ पर इसकी ग्रोथ दोबारा से अब हो गई है, ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है, कितनी ग्रीन इसकी पत्तियाँ हैं, हम इसकी अब हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गई है। ये देखिए गर्मियों की पालक बहुत अच्छी होती है, तो आप भी अपने गार्डन में पालक को जरूर उगाएं। ये यहाँ पर हमारा एक टमाटर का पौधा, ये देखिए कितना छोटा सा ये टमाटर का पौधा है, और ये हमें अभी से टमाटर भी देने लग गया है, ये देखिए इस पर कितने अच्छे अच्छे टमाटर लगे हुए हैं, और इनकी ग्रोथ देखिए, अब गर्मी के मौसम में वैसे टमाटर की ग्रोथ कम ही होती है, लेकिन फिर भी इनकी अच्छे से ग्रोथ हो रखी है। और ये टमाटर हमें हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ से रेडी है, तो वीडियो के लास्ट में जो जो चीज़ें हार्वेस्ट करनी है उसको आपको हार्वेस्ट करके भी दिखाएगा वीडियो में, लास्ट तक बने रहना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब करें। इसके बाद हमारा यहाँ पर करेले की बेल, ये देखिए हमने यहाँ पर करेले के कुछ बीज लगाए थे, जो कि अब हमारी बेल काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और अब हमने इसको यहाँ पर सहारा देकर इस पे चढ़ाया हुआ है, यहाँ पर हमने इसके लिए तार भी बांधी हुई है, और ये देखिए इस पर कितनी सारी फ्लावरिंग और कितनी सारी फ्रूटिंग होने लगी है, ये देखिए हमारे यहाँ पर कितने सारे करेले भी इस पर लगे हुए हैं, जिनका साइज अभी थोड़ा छोटा है, लेकिन कुछ दिन बाद ये साइज इनका बड़ा हो जाएगा और हमें ये हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ से मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर
ये देखो यहाँ पर भी हमारे करेले लगे हुए हैं। ये देखिए कितने सारे इस पर करेले हैं। अगर आप एक बार करेले की बेल लगा लेते हैं तो 2 से 3 महीने तक आपको उसकी हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी एक बार लगाने के बाद। यहाँ पर है हमारे भिंडी के कुछ पौधे जो कि हमने 2 महीने पहले लगाए थे, और ये देखिए इन पर अब कितनी सारी कितनी अच्छी अच्छी भिंडियाँ लगने लग गई हैं। ये देखिए भिंडी का साइज देखिए आप कितना बड़ा है, और यहाँ पर ये देखिए इस दूसरे वाले पौधे पर ये यहाँ पर छोटी छोटी भिंडियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है पौधों की, और ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। यहाँ पे हमने इस पूरी लाइन में यहाँ पर भिंडियाँ लगाई हुई हैं, और यहाँ पर ये देखिए और भी हमारी भिंडियाँ लगी हुई हैं जो कि हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं। ये देखिए यहाँ पर ये छोटे वाली भिंडियाँ लगी हुई हैं, ये उधर भी हमारे भिंडी के कुछ पौधे हैं जिन पर अभी छोटी छोटी भिंडियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए उस वाले पौधे पर सामने ये देखिए हमारी कितनी अच्छी भिंडियाँ लगी हुई हैं। अब हम इनको यहाँ से हार्वेस्ट करके लेके जाएंगे। ये यहाँ पर है हमारा खीरे का बगीचा। ये देखिए हमारी खीरे की बेल अब कितनी अच्छी ग्रोथ पर है, और ये देखिए इन पर कितनी सारी फ्लावरिंग होने लगी है। सभी बेल पर अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन अभी इस पर फ्रूटिंग हमें मिलने नहीं लगी है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ मेल फूल आते हैं, उसके बाद ही फीमेल फूल आते हैं, तो फीमेल फूल से ही हमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग मिलती है। ये देखिए इस पर यहाँ पर बहुत सारे फूल आए हुए हैं। ये देखिए इतनी सारी फ्लावरिंग यहाँ पर है खीरे की बेल में, और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। अब ये बिल्कुल स्वस्थ है, ना ही इनमें कोई रोग है। पहले इनमें स्पिडरमाइट लगा हुआ था, उसके बाद हमने इसमें नीम ऑयल का स्प्रे किया था, जिससे कि अब ये काफ़ी स्वस्थ है। ये देखिए हमारी खीरे की बेल कितनी अच्छी जा रही है। ये देखो हमारा यहाँ पर है पुदीना। ये देखिए कितना हरा भरा ये पुदीना है हमारा, कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। पुदीने की हमें बार बार प्रूनिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। ये देखिए कितना है फैला हुआ है ये इस पूरे बगीचे में, ये अपना बनाया हुआ है इसने घर। ये देखिए इसकी पुदीना, और ये देखिए उधर इसकी और भी रूट्स निकलने लगी हैं। ये देखिए सामने छोटी छोटी, जितना आप स्पेस इसको पुदीने को देंगे ये उतना ही फैलता चला जाएगा। ये देखिए हमने इसको यहाँ से कवर कर दिया है, नहीं तो ये इधर भी फैल जाता। ये हमने इसका रास्ता यहाँ से ब्लॉक कर दिया ताकि ये यहाँ से बाहर ना निकले। और ये साथ में देखिए पुदीने के साथ में ये हमारा मिर्ची का पौधा है, जो कि हमने आपको पहले भी कई बार दिखाया है। इस पर अभी कुछ कुछ मिर्चियाँ दोबारा से लगने लग गई हैं। ये देखिए यहाँ पर इस पर और कुछ मिर्चियाँ लगने लगी हैं इधर। ये देखिए अब कुछ कुछ इस पर फ्लावरिंग भी आनी स्टार्ट हो गई है दोबारा से। ये देखिए यहाँ पर मिर्चियाँ, ये हमारी यहाँ पर मिल्की की बेल। ये देखिए इस पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने लगी है। ये देखिए इस पर ये छोटी छोटी गिल्कियाँ लगने लगी हैं। अब देखिए 1 वीक के बाद ये हमें हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ से मिल जाएंगी। और ये देखिए यहाँ पर नीचे भी इसके मेल और फीमेल दोनों फ्लावरिंग आई हुई हैं। और ये देखिए एक बड़े वाली गिल्की, ये देखिए अब इसका साइज कुछ बड़ा हो गया है पहले से। ये देखिए आप इसके गिल्की की बेल को आप ऐसे इस डंडे का सहारा देकर आप ऐसे उसको ट्रिपल नेट पर फैला सकते हैं। ये देखिए हमारी यहाँ तक आई है, इसके बाद ये हमारी बेल यहाँ ऊपर इस पर नेट पर फैल जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है, कितने हरी भरे इसके पत्ते हैं, और कितनी अच्छी इस पर गिल्कियाँ लगी हुई हैं। इसके बाद हमारी है ये लौकी की बेल। ये देखिए लास्ट वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था, तब इसमें लौकी नहीं लगी हुई थी, अब देखिए इसमें लौकी आई हुई है। ये देखिए इस पर छोटी छोटी लौकी अब लगी हुई हैं। ये देखिए कितनी सारी अब छोटी इस पर ये लौकियाँ लगी हैं। ये देखिए कितनी सारी लगी हुई हैं यहाँ पर। ये देखिए इस पर मेल और फीमेल फूल दोनों का होना जरूरी होता है पौधे पर, तभी हमें आगे चलकर अच्छी फ्रूटिंग मिल सकती है। ये था हमारा आज का वीडियो, आप कमेंट करके हमें बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, और हम अपने गार्डन के वीडियो में
डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूव जरूर करते रहेंगे। तो आप भी हमें सपोर्ट करना। हैप्पी गार्डनिंग।